हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन एकेडमी। और वंस अगेन मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ हमारा मॉर्निंग शो फटाफट इंग्लिश, जो कि एक बेहतरीन शो है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, वो क्या हैं, वो आप लोगों के सामने है। पहला सेंटेंस है बच्चों आप लोगों के सामने, आई ऑलवेज फील एंग्शियस व्हेन आई हैव टू मेक अ स्पीच। जब भी मैं कोई स्पीच देने वाला होता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा एंग्शियस फील करता हूँ, है ना, मतलब चिंतित का भाव देता है आपके वर्ड एंग्शियस, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है, आई ऑलवेज फील नर्वस व्हेन आई हैव टू मेक अ स्पीच। जब भी मैं कोई स्पीच देने वाला होता हूँ, उससे पहले मैं नर्वस फील करता हूँ, ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। हम बेसिकली ऊपर वाले को सही मानेंगे या नीचे वाले को सही मानेंगे। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो दो शब्दों के ऊपर टिका हुआ है ना। और ये दो शब्द आपके कौन कौन से हैं, वो एंग्शियस और नर्वस है। हमें ये देखना है कि कौन से शब्द का प्रयोग इस तरीके के सेंटेंसेस में सही होता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाने वाले होते हो जहाँ पे आपको हल्का सा स्ट्रेस फील होता है, है ना, लोगों को फेस करने में, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना, स्ट्रेसफुल है ना, जब आप दुनिया के सामने बोलते हो तो ये कैसी सिचुएशन है, पूरी ऑडियंस के सामने आप बोलते हो तो बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कहीं कोई गलती ना कर दो, है ना। तो ये सिचुएशन ऐसी है जो कि स्ट्रेस लेके आती है, स्ट्रेस को लेके आया ना। आप एग्जाम देने जाते हो तो वो कैसी सिचुएशन है, एग्जाम देने से पहले, है ना, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, तो वो एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है ना। सो ऐसी सिचुएशन जिस जो या ऐसी परिस्थितियां जो आपको स्ट्रेस देती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, ये चीज मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, है ना। आई होप आप मेरे बात को समझ गए होंगे, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, है ना। सो सबसे पहले एज यूजुअल जैसा कि मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सही सेंटेंस और गलत सेंटेंस की। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे बेसिकली कि आपका जो गलत सेंटेंस है वो ऊपर वाला सेंटेंस है, और जो सही सेंटेंस है वो आपके नीचे वाला सेंटेंस है ना। तो नीचे वाला सेंटेंस आपके सही हो गया और ऊपर वाला सेंटेंस आपके गलत हो गया ना। अब वही बात कि ये दो शब्द एंग्शियस और नर्वस के प्रयोगों को हमें समझना है कि कहाँ पे हम एंग्शियस वर्ड का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे हम नर्वस वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। सो इसको डिटेल में समझाने के लिए ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैंने कुछ बातें लिखी है, तो आप आसानी से समझ पाओगे ना। दोनों एक ही अर्थ को देते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। ये एस है, सॉरी, है ना, दोनों एक ही अर्थ को देते हैं, एस है ना, एक ही अर्थ को देते हैं। किस अर्थ को देते हैं, चिंता के भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए, वरिड होना, चिंता के भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी वरिड होता है, यहाँ पे भी आदमी वरिड होता है ना, दोनों ही परिस्थितियों में आदमी वरिड होता है ना, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती है ना। परिस्थितियां अलग कैसे होती है सब आपके, कि जब व्यक्ति एंग्शियस होता है, है ना, तो वो ऐसी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, समझ आई बात, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, कहीं कुछ कोई गलत या तो हो चुका है या फिर हो जाए, ये जो डर होता है ना, ये भाव होता है। जैसे कि मान लो एक बच्ची जो है वो 2 बजे स्कूल से आ जाती है, राइट, लेकिन जो है वो बच्ची जो है आई नहीं एक दिन स्कूल से, तो उसके पेरेंट्स कैसे फील करेंगे। 2 के 3 बज गए हैं 4 बज गए हैं, स्कूल वालों से पूछा, 2 के 3 बज गए हैं 4 बज गए हैं, स्कूल वालों से पूछा कि भैया हमारी बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं है, क्या आज स्कूल में कोई प्रोग्राम है, क्या स्कूल अभी तक छुट्टी नहीं है स्कूल से, हो नहीं, वो तो बच्चे वो क्या बोलेंगे, 2 घंटे हो गए उसको तो स्कूल से गए हुए, अब तक कैसे नहीं पूछिए हुआ ना। तो ये कैसी परिस्थितियां होगी, इस परिस्थिति में उस बच्ची के माँ बाप जो कैसा फील करेंगे, वो एंग्शियस फील करेंगे ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। सो जैसे कि देयर डॉटर, मैं सेंटेंस बोलूँ आप लोगों की, देयर डॉटर हैड नॉट कम बैक फ्रॉम स्कूल, सो दे वर फीलिंग एंग्शियस फॉर हर सेफ्टी, है ना, उसकी सेफ्टी के लिए वो कैसा फील करेंगे, वो बेसिकली एंग्शियस फील करेंगे, मतलब वो उनको जो वरिड हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कि कहीं उस बच्ची के साथ कहीं गलत ना हो जाए, है ना, समझने की कोशिश करो। तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके एंग्शियस वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। और मान लो ऐसी सिचुएशन हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने से पहले वाली जो फीलिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नर्वस वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो दोनों काफी अच्छे वर्ड है और दोनों के यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है, मैंने अभी भी आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाया था, कोई एग्जाम आप देने जा रहे होते हो, या फिर मान लो आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे होते हो, या पब्लिक के सामने स्पीच देने जा रहे हो, तो ये कैसी परिस्थितियां हैं, ये स्ट्रेस वाली परिस्थितियां ना, है ना, ये स्ट्रेस वाली परिस्थितियां कि क्या होगा, क्या कहीं कुछ यू नो ऐसे भाव होते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा भाव होते हैं ना। आई होप मैं सब चीजें अच्छे से कर दूँ ना। तो उस भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नर्वस वर्ड का प्रयोग करते हैं ना। सो आई वाज सो एंग्शियस नर्वस अबाउट द एग्जाम दैट आई कुड नॉट स्लीप, है ना, कि मैं इतना वरिड था एग्जाम को लेकर के, मैं इतना चिंतित था कि मैं सो नहीं पाया। किसका प्रयोग करेंगे, हाँ जी, हम बेसिकली एंग्शियस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नर्वस का प्रयोग करेंगे, है ना, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसी वजह से आपका नीचे वाला सेंटेंस नर्वस वाला सही था और एंग्शियस वाला गलत। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी चीजें, है ना।
ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं वापस से आप लोगों के सामने। आई ऑलवेज फील एंशियस व्हेन आई हैव टू मेक अ स्पीच, ये सेंटेंस आपके गलत हो गया। आई ऑलवेज फील नर्वस व्हेन आई हैव टू मेक अ स्पीच, नर्वस का प्रयोग करेंगे सेंटेंस आपके सही हो जाएगा ना। तो आज का ये हमारा बेहतरीन कॉन्सेप्ट था बच्चों, आई होप आप सबको मजा आया होगा। और इस सेशन को देखने के बाद में बच्चों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप 8:45 के हमारे वोकैबुलरी शो में आए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो मिलता हूँ कल आपसे फिर से फटाफट इंग्लिश की सीरीज में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।